अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे कि आप सब देख सकेंगे, मैं इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर शख्सियत जी एम सियाल साहब के साथ चीज़ हैं। तो इस सिलसिले में हम सियाल साहब से बात करेंगे कि वो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि जो भी एक कंट्रोवर्शियल हमारे सामने आया है, मतलब खबरों की जीनत बना हुआ है और कुछ चीज़ें लोगों को इसको नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाते हैं। सियाल साहब हमारे साथ एक तरजीह निगाह में मौजूद हैं, इनसे कुछ जानेंगे कि मतलब इनकी क्या राय है, वो किस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं और मतलब जो भी मामला हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आवाम इस वक्त आपको देख रही है, जिस तरह की आपकी शख्सियत है, मतलब लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप किसी एक के खिलाफ हैं यानी, या आप क्या कहना चाहते हैं जो एक कंट्रोवर्शियल फैली हुई सिलसिले में। तो सबसे पहले तो आप सबसे पहले वालेकुम। और जो ये फेमिनिज्म टॉपिक है, मतलब जो आजकल चल रहा है ना, तो ये मतलब एक इसको तरीके से अगर हम देखें जो इसमें होना चाहिए, जैसे भाई लड़की की एजुकेशन के बारे में बात हो, ठीक है, और मुल्क के जो मतलब अच्छे हालात के बारे में बात होनी चाहिए, जैसे हमारे बिजनेसेस हो गए, जो क्राइसिस हैं, हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, ना कि हमें इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। पर लेकिन आज का जो फेमिनिस्ट औरतें चल रही ना, इनका ये चल रहा है कि भाई सेक्स जो है आम होना चाहिए। तो सेक्स तो आम नहीं, हमें होने से रहा नहीं, ठीक है ना, वो तो आम यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री भाई हो जाता ना यहाँ पर, ये हो नहीं सकता। जैसे हमारा अच्छा, मैं आपकी एक बात को काट रहा हूँ बीच में, आपसे मेरे अर्टिकल में 10 से 12 इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, जितनी भी हमारी फीमेल थी उन्होंने ये कहा कि ये जो आप बात सोच लेते हैं, खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि हम ये चाहती हैं, बेसिकली वो ये कह रही कि हमारी बात सुनने से पहले लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं, जो एज्यूम वाला मामला ये गलत है, कह रही हम कुछ गलत नहीं चाहे, क्योंकि हर लड़की यही कहती है कि हम बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन किसी गलत मकसद के लिए नहीं, हमारा मकसद है कि अपने मुतालबात बनवाने के लिए। लोग कहते हैं कि हम खलील साहब को जो उनको ड्रामे की मकबूली था, हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन वो उन्होंने जल्दबाजी में आगे जुमले कह दिए, लेकिन उसके बाद फीमेल्स भी कह रही कि मतलब वो भी गलत नहीं है ना, मारवी साहब गलत हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहती हैं हम बाहर के निकलना चाह रहे हैं, लेकिन खलील साहब ने समझ लिया कि हम किसी गलत नजरिए से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इसको आप क्लियर करें कि मतलब आपकी क्या राय है, मतलब कोई दोनों चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि यूथ एक तरफ हो सके और ये मामला ख़त्म हो सके, क्योंकि आप ऐसे बंदे हैं जब मैं आपकी शख्सियत जानता हूँ कि आप मामलों को ख़त्म कर सकते हैं, आप रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए हर बंदा ना इस डिबेट में पढ़ के मसलों को मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल पैदा करता है, लेकिन आप वो शख्सियत हैं कि जो इसको एक प्लेटफॉर्म पर ला के इसको रिजोल्व कर सकती हैं। तो इसी सिलसिले में चाहूँगा आपके जितने फैन फॉलोअर्स हैं, जो आपके यूथ है, आपको सुन के इस मामले को ख़त्म करें, एटलीस्ट आप बेहतर जानते हैं कि जो भी मसला हमने इसको उठाया और हम इसको ख़त्म कर सकेंगे। तो एटलीस्ट आपके अगर चाहने वाले जो आपकी फैन फॉलोइंग है, अगर वो इस चीज़ को ख़त्म करती है, एटलीस्ट इसी आपकी बात को एग्री करती है, तो मैं कहता हूँ कि 50% की चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, तो आप एक बहुत मेन रोल साबित होंगे इस चीज़ को ख़त्म करने में। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर कोई ऐसी बात करें कि चीज़ें क्लियर हो सके। भाई अभी जो इनका नारा है, मेरा जैसा मेरी मर्जी, बिल्कुल सर, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सबसे पहले तो ये नारा गलत है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा जिसम मेरे अल्लाह की मर्जी, बिल्कुल आई एग्री, ठीक है ना। अभी ये चाहती हैं भाई हमें आज़ादी मार दें, लड़की को किस चीज़ में आज़ादी नहीं, आप मुझे बताएं, लड़की डॉक्टर है, जॉब कर रही है, लड़की एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही है, बिल्कुल सर, मार्केटिंग लड़की का तो होते हैं, लेकिन आप मुतालबात बना सियाल साहब ने यही सजेस्ट किया जितने की व्यूअर्स है कि आप एक बकायदा चीज़ों को पॉइंट करें, हाईलाइट करें, चाहे मरवी सरमन साहब उनसे भी ये करना चाहूँगा, आप मतलब डिबेट को मजीद आगे बढ़ाने से बेहतर है कि आप अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा करें और कोई 10 से 12 नुकात बनाएं और उनको मतलब आप सजेस्ट करें कि ये हमारे मुतालबात, चाहे हम बाहर निकल के करें इनको या हम यहाँ पे रिजॉल्व करें, तो मतलब बड़ी बेहतरीन बात इन्होंने कर दी। तो एग्री करते हैं सर आप, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जो उनके ऑप्शन है, जो उनके मुतालबात है, वो अपने हमें क्लियर करें, क्लियर करें, बाहर निकलने के लिए। अभी ये तो मतलब जितने लास्ट टाइम जो हुआ था भाई के रोट खाना तुम गर्म कर दो, रोटी वगैरह, इससे कोई चीज नहीं होनी ना, ज्यादातर अब हस्बैंड है वो जॉब कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, औरत के लिए कर रहा है, बिल्कुल, जो मतलब इनकम जो उसकी आती है किसको देता है, बीवी को देता है ना अपने, अब या माँ को देता है, माँ कौन है, वो भी औरत है, बड़ी बड़ी बेहतरीन ये वो बात नहीं है कि मतलब इन्होंने एक प्रैक्टिकल में बता दी, चाहे आपकी बहन हो, माँ हो, बेटी हो, मतलब इंसान जो मर्द है वो घरों से बाहर निकल के अपनी औरतों के लिए, चाहे उसको आप बहन कहें, बेटी कहें, मतलब उन्हीं के लिए कुछ कर रहा है, तो फिर आगे से अगर वो डिमांड आती है कि मतलब हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए, हमारी चीज़ें, तो मतलब ये वो बात नहीं कि जिनको सोचना चाहिए, हमारे साहब आपसे हम ये करना चाहिए, हमारा आपसे कोई खिलाफ नहीं है, आप इन बातों को नोट करें और मतलब इसको एक मेन पॉइंट बनाएं ताकि चीज़ों को हमने रिजॉल्व करना है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमारी बहनें इस पैगाम को सुन रही हैं, मैं कहूँगा जो सियाल साहब ने सजेशन दिए बड़ी बेहतरीन चीज़ें, इनको प्रैक्टिकल वे के अंदर आप इसको रिजॉल्व करें और कुछ मुतालबात बनाएं सब एक होके, ताकि इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर दोबारा जितने व्यूअर्स से दोबारा मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, सियाल साहब से मजीद भी मशवरे लेंगे, तो इंशाल्लाह तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।